प्रथम तहलका न्यूज। तो हाय रे जबरा फैन हो गया, ओ धोनी तुझे देखते ही दिल में टन टन ऐन हो गया। ओ मैं तो हाय रे जबरा फैन हो गया। फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करो फेसबुक पे, तेरे क्यूज में गूगल को वीट कर दिया। मिरर में तू दिखता है, नींद में तू दिखता है, तेरे मैडनेस ने मुझे वीट कर दिया। तू है सोट की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर टंटा तेरा। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसक तो बहुत होंगे इस दुनिया में, लेकिन अजय गिल जैसा शायद ही कोई जबरा फैन होगा। हिसार का रहने वाला ये अजय गिल न सिर्फ धोनी का जबरा फैन है, बल्कि वो तो उन्हें अपना भगवान भी मानता है। धोनी के लिए दीवानगी इस कदर बड़ी है कि उनसे मिलने के लिए अजय ने 1436 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी कर डाली थी। हालांकि तब वो रांची में MS धोनी के फार्म हाउस पर नहीं मिल पाए, लेकिन इस बार उन्होंने दोबारा इतनी लंबी यात्रा की प्लानिंग कर डाली है। इस युवक में हिम्मत, जोश और जुनून इस कदर है कि वे अब की बार धोनी से मिलकर ही लौटेंगे। अजय गिल ने अपने हेयर स्टाइल और टी शर्ट पर धोनी का नाम छपा रखा है। डेट डिसाइड मैंने की है 29 अक्टूबर को, मैंने ये निर्धारित किया है मैं मेरे क्रिकेट भगवान MS धोनी से मिलने के लिए अपनी डिस्ट्रिक्ट हिसार गाँव खेड़ी जालब से झारखंड रांची की पैदल यात्रा पे जा रहा हूँ। ये जैसे मैं जाऊंगा अपने गांव से जींद, गोहाना, सोनीपत, दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, एटा और कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और बनारस, ये मेरे शहर रहेंगे। इसमें देखता हूं कि इंसानियत देखने को मिलती है क्या नहीं। मैं इतनी दूर जाऊंगा पैदल मिलने, और 1436 किलोमीटर की ये मेरी पैदल यात्रा है। मेरी पैदल यात्रा 29 जुलाई को थी, पहली पैदल यात्रा। उसमें MS धोनी जी के चिट्टू फ्रेंड है, चिट्टू नाम के, उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की। उन्होंने बोला कि बेटा आप 3 महीने के लिए तो नहीं ठहर सकते, लेकिन आप जाओ अब दोबारा, तो फिर आएंगे MS धोनी जी, आपको मिलवा दिया जाएगा। अजय ने बताया कि इस बार उनको परिवार की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला है। हालांकि पहले तो उनके पिता ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर अजय की जिद के सामने पिता को झुकना ही पड़ा। बता दें कि अजय को झारखंड पहुंचते हुए 25 से 30 दिन लग जाएंगे। युवक अपने हाथ में बैग और तिरंगा लेकर खेड़ी जाबल से जींद, गोहाना, सोनीपत, दिल्ली, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश के कई जिले, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद और बनारस से चलते हुए झारखंड का रिंग रोड पर MS धोनी के फार्म हाउस पर पहुंचेंगे। अजय गिल ने बताया कि वे झारखंड जाएंगे और MS धोनी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर ही लौटेंगे। पहले मेरी पहली पैदल यात्रा में रांची में मुझे प्यार मिला, एक नई जिंदगी मिली, क्योंकि वहां के लोगों ने मेरी सेवा की। जो भी मैं इतनी दूर गया था MS धोनी जी से मिलने, जो उनका काम था वो उन्होंने पूरा किया। रांची में जब जाता हूँ तो मेरे धोनी जी के दरबार में वापस आने का मेरा मन ही नहीं करता। टीम इंडिया के एक कोहिनूर है MS धोनी जी। जैसे वहाँ से बात होने के बाद चिट्टू जी से, MS धोनी के क्लोज फ्रेंड, तो अनुराग चावला जी एक बहुत अच्छे इंसान है, होटल पे लेके गए, रहने खाने की अच्छी व्यवस्था करवाई, मेरी स्वस्थ खाना दिया, रहने के लिए होटल बुक करवाया। तो उसके बाद 8:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी, वो 5,000 रुपये की मेरी टिकट थी, वो उन्होंने मेरे को फ्लाइट में भेज दिया रांची टू दिल्ली। ये नाम जो मेरा स्टाइल है ये पापा जी ने लिखा है। मेरी जिद के सामने मेरे पिताजी को भी झुकना पड़ गया। मेरे पिताजी ने किया है अच्छा हेयर स्टाइल किया है, और पापा जी भी नाराज़ हैं और मेरा पूरा साथ दे रहे हैं।
आपको बता दें कि अजय ने इससे पहले 29 जुलाई से यात्रा शुरू की थी और बाद में 14 अगस्त को हिसार पहुंचे थे। दिन रात पैदल चलता गया और 1435 किलोमीटर की यात्रा तय करके झारखंड में पहुंचा। लेकिन वहां MS धोनी नहीं मिले, लेकिन धोनी के चाहने वाले जरूर मिल गए। इस दौरान उन लोगों ने इस युवक की हिम्मत को देखते हुए उसे हवाई एयर से उसके घर में पहुंचाने का काम किया। अजय का कहना है कि MS धोनी उनके भगवान हैं और वे उनके दर्शन करना चाहते हैं और इस बार तो वे दर्शन करके ही लौटेंगे। इसके लिए उन्होंने आज से ही पैदल यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। अजय ने बताया कि वे फिलहाल हिसार में सेंट सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशांत से क्रिकेट खेल का प्रशिक्षण ले रहा है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।